हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, एक सियाबी देर से आए। अब ये नमाज का पूछना, जुमे का पूछना, मतलब हुक्मरान साहब तो ऊपर लेवल के हैं, वो तो पूछेंगे कि जनाब मेरे साथ तो आप कौमी सतह का बंदा बिठाएं, ये वाली बातें। लेकिन छोटे छोटे सुराख पैदा होते हैं, फिर बंद टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं। कौमों का इखलाक छोटी छोटी जगहों पर पहले बिगड़ता है, छोटी छोटी जगहों पर बच्चा पहले छोटी चोरियां करता है, खुदा माफ फरमाए अगर उसे रोका ना जाए, फिर वो बड़ी जगहों पे जाके हालात खराब करता है। हजरत उमर फारूक एक सियाबी देर से जुमा पढ़ने आए तो हजरत उमर ने बाद में बुला लिया, फरमाया तुम इतने समझदार आदमी हो कि अगर जुम्मे में देर से आओगे तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। तो सियाबी आगे से कहने लगे मुझे पता था आपने पूछना है, ओ मैं तो कहीं काम में मसरूफ था, अमीरुल मोमिनीन मैं तो दौड़ा आया हूं, मैं तो गुसल भी नहीं कर सका, वुजू करके ही मस्जिद में आ गया जुमा पढ़ने। तो तुम्हारे फारूक उनकी बात सुनकर खुश हुए, फरमाने लगे रब तेरा भला करे, इस तरह करना, आइंदा जुमा पढ़ने आना तो गुसल करके आना, मेरे नबी पाक ने गुसल करने का इरशाद फरमाया जुमे वाले दिन, गुसल करके आना। इन बातों का भी यानी हुकूमत के कौमी मामलात और आलमी नुकता नजर भी उनके जहन में है, और यहां तक जो बारीक चीजें, बारीक चीजें